तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो गाइस आपको बताने वाला हूँ कि मेरे जैसे थंबनेल कैसे आप लोग बना सकते हैं। देखिए गाइस, ये बगल में थंबनेल है जो कि इधर साइड में, तो मैं इसको बनाने के लिए आपको बताने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं गाइस कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो गाइस बनाऊंगा हिक्सल लैब से। तो गाइस इस प्रोसेस में पूरा आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं, पूरा आपको बताने वाले हैं कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग बना सकते हैं माय फर्स्ट व्लॉग। चलिए गाइस इस वीडियो में बनेगा और आपको दिखाते हैं जैसे थंबनेल बनाया जाता है। चलिए इस वीडियो में बनाते हैं। चलिए गाइस आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गाइस मैं मोबाइल पर आ चुका हूं। तो गाइस आपको चलिए बताते हैं थंबनेल कैसे बनाया है माय फर्स्ट व्लॉग का। तो गाइस सबसे पहले मैं ऑन करने वाला हूं हिक्सल लैब। हिक्सल लैब ऑन करने के बाद गाइस ये खुल जाएगा और ऊपर थ्री आइकन बना गाइस, वहां पे क्लिक करेंगे और इसमें दिया इमेज साइज, तो इमेज साइज पे क्लिक करेंगे। तो इसमें साइज पूछ रहा है गाइस, तो चलिए गाइस इस पे हम क्लिक करते हैं कस्टम पे। तो गाइस इसमें दिया YouTube थंबनेल, तो हमको YouTube थंबनेल बनाना है गाइस, तो हम YouTube थंबनेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। न्यू टेक्स्ट को रीड करने के लिए यहाँ पे ए पर क्लिक करेंगे। नीचे साइड में देखिए गाइस यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया है, इसको डिलीट कर देंगे। चलिए गाइस इस वीडियो में बन रही है, आपको बताते हैं आगे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे नीचे इंपोर्ट में जाएंगे इमेज के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम इमेज लेंगे, इसको मैं इमेज ले लेते हैं। गाइस यहाँ से आप सीधा कर सकते हैं, यहाँ से देखिए सीधा हो गया है। अब यहाँ से इधर कर देंगे, तो यहाँ से साइज को एडजस्ट करना होता है गाइस। देखिए एडजस्ट हो गया, तो यहाँ से इसको लॉक कर दो गाइस। देखिए गाइस यहाँ से लॉक खोल दिया गाइस, यहाँ पे हिल भी लगा, तो इसको यहाँ से लॉक कर देंगे कि दोबारा हिलेगा नहीं। देखिए गाइस, तो गाइस चलिए इसको हम इसको बैकग्राउंड को कट कर लेते हैं। फोटो का जो इमेज है गाइस, जो मेरा फोटो है, इसको बैकग्राउंड कट कर लेते हैं। चलिए गाइस मैं पहले से कट कर चुका हूँ, तो आपको दिखाते हैं। फिर जाएंगे इंपोर्ट में, फिर गैलरी में जाएंगे। गैलरी जाने के बाद फिर यहाँ से रिमो भी देखिए गाइस, हम पहले से कट चुका हूँ, तो रिमो में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ गाइस वो इमेज। ठीक है, मैं इमेज को बैकग्राउंड कर चुका हूँ। यहाँ से सही करेंगे, यहाँ से सही करेंगे, फिर यहाँ से बैठा देंगे यहाँ पे। यहाँ से बैठा देंगे गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ से कितना अच्छी तरह बैठ चुका है। देखिए गाइस यहाँ से अच्छी तरह बैठ चुका है। यहाँ से फिर लॉक कर देंगे इसको। लॉक करने के बाद इसको साइड के बैकग्राउंड चार्ट करना गाइस। देखिए गाइस, तो देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, हो जाएगा गाइस यहाँ से। और कोई भी कलर आप डाल सकते हैं गाइस। देखिए मैं ये भी ब्लैक कलर डाल देता हूँ, जैसे ग्रीन। चलिए कितना अच्छा थंबनेल बन चुका है, तो आप लोग देखते रहिए। इसको लॉक कर देंगे, फिर चलेंगे और मेरे दोस्त का इमेज है, एक और इमेज लेंगे गाइस, तो उसमें हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए गाइस इंपोर्ट में जाते हैं इमेज में। गाइस देखिए गाइस मेरे दोस्तों का बैकग्राउंड इमेज काट लिया हूँ, इसको सेव करने वाले हैं यहाँ पे इसको इस साइड कर दें, थोड़ा छोटा करते इसको इसको चटकार कर देंगे गाइस बैकग्राउंड साइड का। देखिए गाइस कितना अच्छे से बन चुका है। देखिए गाइस और इसको भी लॉक कर देंगे हम। चलिए गाइस इसमें लिखते हैं कुछ टेक्स्ट में, लिखें माय फर्स्ट ब्लॉग। देखिए गाइस माय फर्स्ट ब्लॉग। तो गाइस इसको मॉडल में करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, इधर फ्रंट में जाएंगे। फ्रंट में जाने के बाद इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस, तो हम करेंगे इसको करेंगे, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे एडजस्ट करने के लिए। तो देखिए गाइस ये हो चुका है, इसको बैकग्राउंड मॉडलिंग बनाएंगे। देखिए गाइस थोड़ा सा हल्का तेज करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर पर जाएंगे, सॉफ्टवेयर पर जाने के बाद इसको ऑन कर देंगे। अब पीछे के बैकग्राउंड इसको ब्लैक कर देंगे। देखिए गाइस कितना खूबसूरत बन चुका है। तो गाइस और इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहाँ से फिर एक इमेज लेंगे, इसमें से दिल का इमेज लेंगे गाइस। तो इसमें बनेंगे, देखिए इसको लेकर यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इधर एडजस्ट कर सकते हैं गाइस आप लोग। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, इसको भी लॉक कर देंगे। फिर टेक्स्ट में जाएंगे, तो गाइस इसको एडजस्ट कर लीजिए सेंटर में लगा के, और इसको एडजस्ट कीजिए गाइस यहाँ पे, और इसको स्टोके कर दीजिए गाइस, थोड़ा सा लाइटिंग वाला हो जाएगा मोटा में, और शेड्यूल कर दीजिए गाइस थोड़ा सा। और देखिए गाइस कितना खूबसूरत हो गया, और इसमें चेंजिंग करेंगे गाइस कुछ। यहाँ से फ्रंट में जाएंगे, यहाँ से ये लेंगे। देखिए गाइस बहुत खूबसूरत हो गया, और इसको यहाँ से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद फिर एक बार जाएंगे टेक्स्ट में जाने के बाद लिखेंगे लास्ट का आ चुके हैं गाइस। ये था थोड़ा सा तो लिखना था, इसको थोड़ा सा साइड से बैठा लीजिए, यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए गाइस। इसको भी फ्रंट में जाने के बाद इसको भी मोटा करना है, और यहाँ से इसको स्ट्रोक करना है, और यहाँ से शॉर्ट करना है। गाइस हो गया, तो गाइस इसको भी लॉक कर देना है। देखिए गाइस मेरा थंबनेल बनकर रेडी हो गया है।
तो इसी तरह बनाना है आपको। चलिए इसको गैलरी में सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर दिया गया इस प्लस की बगल में दिया है सिंपल से बना है, तो इसमें सेव एस इमेज पे क्लिक करेंगे और इसमें जाएंगे कस्टम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे कैसे दिया अल्ट्रा, अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे और गैलरी में सेव कर देंगे। ठीक है, और आपको दिखाते हैं एड्स आ गया, तो एड्स खत्म होने के बाद तो चलिए इसे गैलरी में दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस गैलरी में चले गए, तो देखिए इस यहाँ पर बन चुका है, देखिए देखिए इस बन चुका है मेरा थंबनेल। तो गाइस आप भी ऐसा थंबनेल बना सकते हैं। तो गाइस आपको पूरी जानकारी मिल चुका होगा थंबनेल कैसे बनाए माय फर्स्ट ब्लॉग। तो गाइस इस वीडियो में आपको पूरा अंत तक आपको वीडियो में बता चुके हैं पिक्सेल लैब से कैसे बनाया जाता है थंबनेल। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूं, डेली एक नया वीडियो लाता रहता हूं। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इतना ही।